विराट कोहली पर भारी पड़े केएल राहुल, पंजाब ने 8 विकेट से जीता मैच। विराट कोहली बने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान, एमएस धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। विराट कोहली पर भारी पड़े केएल राहुल, पंजाब ने 8 विकेट से जीता मैच। आईपीएल 2020 का 31वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजा में खेला गया। इस मैच में बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। इस तरह पंजाब के सामने मुकाबला जीतने के लिए 172 रन का टारगेट था, जिसे उन्होंने 2 विकेट खोकर आसानी के साथ हासिल कर लिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में काफ़ी मैचों के बाद क्रिस गेल को पंजाब की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल को मुंतखब किया गया। विराट कोहली बने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान, एमएस धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। आईपीएल 2020 के 31वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने एक नहीं बल्कि 2-2 रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। विराट कोहली आरसीबी के लिए किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 200वें मैच में खेलने उतरे, वहीं जब वो बल्लेबाजी करने आए तो कुछ ही देर में उन्होंने सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। विराट आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। एमएस धोनी ने आईपीएल के कैरियर में 4,275 रन बनाए हैं, लेकिन अब विराट कोहली उनसे आगे निकल गए हैं। आईपीएल की अब तक की तारीख में सबसे ज़्यादा रन बतौर कप्तान बनाने के मामले में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, वहीं एमएस धोनी नंबर 2 पर खिसक गए हैं। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। ब्राज़ील की जीत में नेमार की हैट्रिक, पेरू को 4-2 से हराया। नेमार के 3 गोल की हैट्रिक के दम पर ब्राज़ील ने 2022 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबले में पेरू को 4-2 से हराया। इसके अलावा एक गोल रिचर्डसन ने भी किया। नेमार ने 103 मैचों में 64 इंटरनेशनल गोल किए हैं और वो ब्राज़ील की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल दागने के मामले में 2 नंबर पर हैं। अब नेमार के आगे सिर्फ ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले 77 गोल के साथ मौजूद हैं। डेनमार्क ने इंग्लैंड को हराया, वहीं फ्रांस और पुर्तगाल जीते। क्रिस्टन एरिक्सन ने डेनमार्क की तरफ से अपना 100वां मैच खेलते हुए गोल दागा, जिससे उनकी टीम यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इंग्लैंड पर 1-0 से जीत हासिल करने में कामयाब रही। उधर तीसरे ग्रुप में फ्रांस और पुर्तगाल ने अपने अपने मैच जीतकर एक दूसरे के बराबर पॉइंट्स बनाए रखे। फ्रांस ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया, वहीं पुर्तगाल ने स्वीडन को 3-0 से हराया। खिलाड़ियों के लिए क्वारंटाइन में छूट चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन के हेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन के हेड क्रेग टीले 2021 में होने वाले इस पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ियों के लिए 14 दिन तक होटल में क्वारंटाइन पर रहने के कानून में छूट चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।